दिल्ली में एमसीडी के बुलडोजर एक्शन को लेकर विवाद थमने के बजाय बढ़ता जा रहा है। अब विवाद का केंद्र आप विधायक अतिशी के विधानसभा क्षेत्र में चस्पा किया एक नोटिस बना है, जिस पर बीजेपी भी आपको खुली चुनौती दे रही है। दिल्ली में एमसीडी के बुलडोजर एक्शन पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई का नोटिस आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी के इलाके में चस्पा हुआ है, जिसके खिलाफ आप कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। इस मसले पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी फिर आमने सामने आ गए हैं। दोनों दल के नेता एक दूसरे को चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की बुलडोजर की राजनीति है। बुलडोजर की राजनीति के माध्यम से वो पूरी दिल्ली भर में उगाही कर रहे हैं। तो उन्होंने मंदिर पर भी बुलडोजर के द्वारा डेमोलिशन का नोटिस लगा दिया है। ये कैसी पैसे की हवस है कि आम लोगों की आस्था, भगवान नीलकंठ का मंदिर भी अब बुलडोजर के रास्ते में आने वाला है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर किसी मंदिर को तोड़ने के लिए सरकार ने नोटिस जारी किया है। यह मंदिर आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी जी के क्षेत्र में हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि आखिर उनकी सरकार इस मंदिर को बचाने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है। आम आदमी पार्टी के एमसीडी चुनाव प्रभारी दुर्गेश पाठक ने भी बीजेपी पर बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर लोगों को धमकाने का आरोप मढ़ा है। आप हर वार्ड में पदयात्रा निकालकर बीजेपी पर बढ़त बनाने की कोशिश की तैयारी कर रही है। इनके सारे नेता पूरी की दिल्ली के अंदर घूम घूम के एक एक गली में एक एक घर में जाके कह रहे हैं, पैसे दो वरना तुम्हारे घर के ऊपर बुलडोजर चला देंगे।